गाइज, ये वीवो टी टू एक्स 5G वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज़ बजट। रिसेंटली मैंने चैनल पे आपको इसके ऊपर अनबॉक्सिंग एंड इन डेप्थ रिव्यू वीडियो दे रखा है। आपने नहीं देखा है ना तो वीडियो के लिए एंड स्क्रीन में आ जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद जाकर के देख लेना। तो ये 6GB 128GB वाला वेरियंट मैंने परचेस किया था फ्लिपकार्ट से 13,300 रुपये का सिर्फ और सिर्फ, और ये मेरे पास आया हुआ है अरोरा गोल्ड कलर में। इसके तीन कलर ऑप्शन है, ब्लैक, ब्लू और अरोरा गोल्ड। मेरे पास गोल्ड कलर पे है। तो ये रहा गाइस वो फोन अरोरा गोल्ड कलर में, और ये मैंने गोल्ड कलर का परचेस किया। बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड सेक्सी सा लुक है इस कलर का, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में। तो इस फोन के अंदर ना गाइस आज मैं BGMI टेस्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए 15,000 के नीचे तो क्या आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 6020 5G प्रोसेसर। तो इसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा मिलता है ये आज के इस वीडियो से आप जान पाओगे। मेरा नाम है इनमेश, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक एंड हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं एक बार ना सेटिंग्स पे चलता हूँ और आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ इसका प्रोसेसर डिटेल्स। अबाउट फोन में चलेंगे, फन टच OS 13 के साथ आता है, 2.2 GHz का MediaTek Dimensity 6020 ऑक्टाकोर प्रोसेसर इसके अंदर है, 6GB रैम है, 6GB का एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, 128GB का स्टोरेज है और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। अभी इसके अंदर बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हो 39% है। इसके अंदर मैंने कोई भी सिम कार्ड नहीं लगा रखा है फिलहाल, ये वाईफाई के साथ कनेक्ट है, ब्राइटनेस फुल पे है। और एक बार मैं आपको इसका टेम्परेचर मेजर कर देता हूँ। फोन के टॉप पे देखते हैं 31.1 डिग्री, 31.8 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बगल में। बैक पे टॉप पे देखते गाइस 30.8, 31.4। और चलो अब इसके अंदर गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं BGMI को। फुल ब्राइटनेस पे है देखो, और BGMI को ऑन करते हैं, 39% बैटरी लेवल है। अभी मेरे रूम पे एयर कंडीशनर चल रहा है और एयर कंडीशनर चल रहा है 24 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस तरीके का आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलता है, कितना हीटिंग होता है एक AC रूम में, ये चलो आपको अभी पता चलने वाला है। बहुत ही सही सा गाइस फोन है। इसके अंदर आपको 6.58 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसका पिक्सल रेशियो है 2048x1080 पिक्सल्स। एंड इसके अंदर ना आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज, अच्छा सा साइज मिल जाएगा, एक हाथ से आप आसानी से मोबाइल फोन को यूज कर सकते हो। तो यहाँ हमारा गेम ऑन हो गया है, सेटिंग्स में चलेंगे और सेटिंग्स में आप देख सकते हो ग्राफिक्स के अंदर आपको ना अभी HD हाई पे शो कर रहा है, इस पे HDR का ऑप्शन नहीं है। आप मैक्सिमम HD ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट्स के साथ खेल सकते हो, वरना आप बैलेंस्ड पे अल्ट्रा और स्मूथ पे अल्ट्रा पे करके खेल सकते हो। तो एक बार स्मूथ अल्ट्रा पे लगाते हैं फिर HD हाई पे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ये लगाया, अब चलते हैं TDM लगा लेते हैं। इस फोन पे आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, इसके अंदर आप डुअल 5G सिम कार्ड्स लगा सकते हो। चलो दिखाता हूँ कैसा इसके अंदर आपको प्लेबैक मिलता है गेम का। वॉल्यूम फुल पे है और मेरे गेम पे मुझे जज मत करना क्योंकि मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, मैं टैब पे खेलता हूँ तो वहाँ पे मेरा हाथ बैठा हुआ है, मोबाइल फोन पे छोटे स्क्रीन पे मुझे आदत नहीं है। चलो शुरू। चल मेरा किल पहले था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे HD हाई पे करके। तो ग्राफिक्स पे चलेंगे, HD पे हाई पे ओके करते हैं और अभी कलरफुल मोड पे किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो HD हाई पे करते ही ना यहाँ पे इसका ग्राफिक्स ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। आप देखो ग्रास देखो, शेडोज देखो, सब कुछ आपको बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही क्लियर सा आपको नज़र आएगा।
क्या लगता है गाइस, जीत पाएंगे हम या हम हारने वाले हैं? भाई नाइस शॉट यार। तो हम हार गए, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक टीडीएम मैच खेलने के बाद कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो 38% था तभी ना, अभी 37%। स्टार्ट हमने किया था गेम को 39 पे, तो 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है बस। अब मैं यहाँ पे एक फुल इरेंगल मैच खेलूँगा जब तक मैं जिंदा रहता हूँ, और चलो देखते हैं इस पे कितना बैटरी ड्रॉप होता है। इसमें ना जायरोस्कोप भी मिलता है आपको, तो यहाँ पे आप जायरो ऑन करके भी गेम खेल सकते हो। अभी तक मुझे कोई भी हीटिंग फील नहीं हो रहा है, कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रहा है। और इस फ़ोन का लाइट वेट है ना, तो आप पकड़ के खेलोगे एंड रेक्टेंगुलर सा शेप है, बहुत ही अच्छा सा एक स्क्वायर सा बॉक्सी सा फील आता है, पकड़ने में एक अच्छा सा होल्ड फील होता है। तो मैच शुरू हो गया है, अभी प्लेन पे बैठ के टेक ऑफ करने वाले हैं। ग्राफिक्स बहुत ही सही लग रहा है, कोई भी यहाँ पे लैग वैग देखने को नहीं मिल रहा है। नीचे आप देखो हर चीज़ अच्छे से रेंडर हो रहा है। ये रहा स्काई, देख लो गेम को, यहाँ पे देखो कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स पे मैं चलने वाला हूँ। गाइज मैंने गेम कितने बजे शुरू किया है, 4:32 में शुरू किया मैंने, 36 हो गया ना, समझ के चलो कुछ देर हो गया मुझे स्टार्ट किए हुए। बाकी गेमिंग एक्सपीरियंस तो अच्छा मिल रहा है, स्मूथनेस देख सकते हो, कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्राफिक्स अच्छे से रेंडर हो जा रहा है, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा गेम प्ले में। ग्राफिक्स चल रहा है HD पे हाई सेटिंग पे। और अगर आपको कलरफुल नहीं करना है, क्लासिक खेलते हो, तो क्लासिक को ओके कर देता हूँ। देखो क्लासिक में आपको कुछ ऐसा स्क्रीन इसका देखने को मिलेगा। अपना सीन ख़त्म ब्रो, लगता है पूरा टीम स्क्वाड ख़त्म हो गया। जी हाँ, तो गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताओ तो एक डिसेंट सा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इरेंगल का मैच तो हाफ मैच करते हम मर चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं। सो गाइज आ चुका हूँ हम स्क्रीन पे, और हमने खेला एक मैच फुल इरेंगल का, और हमने खेला एक टीडीएम पूरा मैच हुआ था, और इरेंगल तो बीच में मर चुके हैं। तो मैंने शुरू किया था 39% पे ना, तो अभी बैटरी लेवल आप देख सकते हो 33% है, यानी कि 6% का ड्रॉप हुआ है। और इसमें मैंने एक इरेंगल मैच खेला और एक टीडीएम खेला है,
तो बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिल रहा है और कोई भी टाइप का आपको लैग देखने को नहीं मिला। ग्राफिक्स भी बहुत स्मूथ लग रहा है और अगर आप जायरोस्कोप से खेलना चाहोगे ना तो इसके अंदर आपको जायरोस्कोप भी मिल जाता है। यहाँ पे मैंने आपको जायरोस्कोप से खेल के नहीं दिखाया लेकिन आप यहाँ पे जा करके जायरोस्कोप को इनेबल करके भी यहाँ पे गेम का मजा ले सकते हो। सो ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है गाइस परफॉर्मेंस BGMI का Vivo T2X 5G मोबाइल फोन के अंदर। डिसेंट सा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आपको बजट रेंज के अंदर एक अच्छा 5G फोन चाहिए अच्छे कैमरास के साथ अच्छा परफॉर्मेंस के साथ आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। देखते हैं कितना इसके अंदर आपको टेम्परेचर में क्या राइज हुआ है। अब इसका टॉप देखते हैं गाइस 37.1, बॉटम 36.5, ठीक है ना। ये फ्रंट का आफ्टर गेम ओके बिफोर मैंने पहले ही लिख रखा है। अब यहाँ पे इसका बैक साइड का मेजर करते हैं। बैक साइड पे देखते हैं 35.2 ठीक है और बॉटम 34.5। यहाँ पे आपको डिफरेंस मैं दिखाता हूँ कितना का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये मैंने जब गेम शुरू किया उससे पहले मैंने यहाँ पे लिख के रख चुका था। तो बिफोर गेम हमने देखा था फ्रंट पे था 31.1 और 31.8 था फ्रंट का टेम्परेचर, जो आफ्टर गेम 37.1 यानी कि 6 डिग्री टेम्परेचर आपको यहाँ पे सेल्सियस बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और इसका था 31.8 मान लो 32 था, यहाँ पे 36.5 मतलब 4 डिग्री आपको यहाँ पे बॉटम पे बढ़ा हुआ मिलेगा। बैक साइड पे 30.8 था टॉप पे, अभी 35.2 है मतलब 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। और बॉटम पे था 31.4, अभी 34.5 यानी कि 3 डिग्री के अराउंड बढ़ा हुआ है। तो ये इसका आपको बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर आपको हल्का फुल्का हीटिंग मिलेगा लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई भी इशू नहीं करेगा। आप आसानी से इसमें गेम का मजा ले सकते हो। इसी तरीके से आप इसके अंदर फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड अदर जो गेम्स है आपका जो फेवरेट गेम्स है आप आसानी से उनको इंस्टॉल करके उनका मजा ले सकते हो। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर इसे परचेज करना चाहते हो इसके बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप खरीद सकते हो। फिर मिलते हैं गाइस बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।